हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल होने के बावजूद भी हॉकी के स्तर में आजकल बहुत गिरावट हो चुकी है। युवा मैदानी गेम्स को छोड़कर नशे और मोबाइल की ओर ज्यादा अग्रसर हो रहा है। हॉकी के स्तर में बढ़ोतरी करने के लिए ग्रास रूट एशिया में पहली बार सोलन के ऐतिहासिक ठोड़ो मैदान में हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन करने जा रहा है। अशोक ध्यानचंद ने बताया कि लगातार हॉकी के स्तर में गिरावट आ रही है, जिसके लिए ग्रास रूट द्वारा एक अनूठी पहल की गई है। अशोक के ध्यानचंद ओलंपिक अर्जुन अवार्डी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि ग्रास रूट पहली बार अंडर 13 प्रतियोगिता का आयोजन करने जा रहा है। एशिया में पहली बार ये आयोजन सोलन के ऐतिहासिक ठोड़ो मैदान में किया जा रहा है, जिसमें 6 जोन से 12 टीमें भाग लेंगी। ये प्रतियोगिता 7 से 9 अप्रैल तक आयोजित हो रही है। साथ ही इस प्रतियोगिता को लिम्का बुक में भी एंट्री किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के रहने खाने की व्यवस्था भी की गई है। साथ ही उन्होंने बताया कि उनका इस प्रतियोगिता करवाने का मुख्य उद्देश्य हॉकी के स्तर में बढ़ोतरी करना है। प्रति बहुत जागरूक है और ग्रास रूट संस्था जो है वो इसमें एक है, जिन्होंने हिमाचल के अंदर सोलन शहर जिले के अंदर इस टूर्नामेंट को कराने का बीड़ा उठाया और उन बच्चों को एक मंच देने की कोशिश की है, जो ऑल इंडिया के रूप में ग्रास रूट लेवल में दी जा रही है, जो 7 तारीख से लेकर 9 तारीख तक 120 बच्चों का समा इसके अंदर आना होगा। उनके बाद उनके ऑफिशियल्स आएंगे और ऑफिशियल्स के बाद उनके जो पेरेंट्स हैं वो भी हैं। खाना पीना ठहरना जो है इस समिति द्वारा सोलन के अंदर है और श्री दिनेश शर्मा साहब, सविता मैम के साथ हमारे राकेश शर्मा जी, रणधीर जी जो यहाँ के इस टूर्नामेंट कमेटी के बहुत बहुत जागरूक मेंबर हैं, उनकी देखरेख में इन बच्चों का टूर्नामेंट ये बड़े जोर शोर से होगा और मैं इसके अंदर शामिल हो पा रहा हूँ, इसकी खुशी मुझसे बढ़कर और किसी को नहीं हो सकती। हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल होने के बावजूद भी हॉकी के स्तर में आजकल बहुत गिरावट हो चुकी है। युवा मैदानी गेम्स को छोड़कर नशे और मोबाइल की ओर ज्यादा अग्रसर हो रहा है। हॉकी के स्तर में बढ़ोतरी करने के लिए ग्रास रूट एशिया में पहली बार सोलन के ऐतिहासिक ठोड़ो मैदान में हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन करने जा रहा है। अशोक ध्यानचंद ने बताया कि लगातार हॉकी के स्तर में गिरावट आ रही है, जिसके लिए ग्रास रूट द्वारा एक अनूठी पहल की गई है। अशोक के ध्यानचंद ओलंपिक अर्जुन अवार्डी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि ग्रास रूट पहली बार अंडर 13 प्रतियोगिता का आयोजन करने जा रहा है। एशिया में पहली बार ये आयोजन सोलन के ऐतिहासिक ठोड़ो मैदान में किया जा रहा है, जिसमें 6 जोन से 12 टीमें भाग लेंगी। ये प्रतियोगिता 7 से 9 अप्रैल तक आयोजित हो रही है। साथ इस प्रतियोगिता को लिम्का बुक में भी एंट्री किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के रहने खाने की व्यवस्था भी की गई है। साथ ही उन्होंने बताया कि उनका इस प्रतियोगिता करवाने का मुख्य उद्देश्य हॉकी के स्तर में बढ़ोतरी करना है। प्रति बहुत जागरूक है और ग्रास रूट संस्था जो है वो इसमें एक है, जिन्होंने हिमाचल के अंदर सोलन शहर जिले के अंदर इस टूर्नामेंट को कराने का बीड़ा उठाया और उन बच्चों को एक मंच देने की कोशिश की है, जो ऑल इंडिया के रूप में ग्रास रूट लेवल में दी जा रही है, जो 7 तारीख से लेकर 9 तारीख तक 120 बच्चों का समा इसके अंदर आना होगा। उनके बाद उनके ऑफिशियल्स आएंगे और ऑफिशियल्स के बाद उनके जो पेरेंट्स हैं वो भी हैं। खाना पीना ठहरना जो है इस समिति द्वारा सोलन के अंदर है और श्री दिनेश शर्मा साहब, सविता मैम के साथ हमारे राकेश शर्मा जी, रणधीर जी जो यहाँ के इस टूर्नामेंट कमेटी के बहुत बहुत जागरूक मेंबर हैं, उनकी देखरेख में इन बच्चों का टूर्नामेंट ये बड़े जोर शोर से होगा और मैं इसके अंदर शामिल हो पा रहा हूँ, इसकी खुशी मुझसे बढ़कर और किसी को नहीं हो सकती।